हेलो आशी, तुम्हारे कर्म का अंदाजा है मुझे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। भाई तुम्हें इज्जत से इस घर में लाना चाहते हैं। ये बात मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। क्या इसीलिए फोन किया था मुझे? नहीं, कुछ काम था तुमसे। कहो। अपनी मंगनी की कोई तस्वीर भेज सकती हो? अपनी और फखर की। मुझे ऐनी को दिखानी है। वो दरअसल, अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह मेरे जख्मों पे नमक छिड़कोगी। जिस इंसान के बारे में मैं सोचना भी नहीं पसंद करती, उसकी तस्वीर मैं अपने मोबाइल में रखूंगी। आशी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो, अब दोबारा फोन मत करना मुझे। नहीं रहा कोई रिश्ता अब हमें।